नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम क्रिक गुरु में। दोस्तों आपको और आपके परिवार को मेरी ओर से रक्षाबंधन और दोस्तों स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे दोस्तों जो मैच होने वाला है ससेक्स और सूर्य के बीच में, उसके बारे में ड्रीम इलेवन के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और इस मैच में आपके लिए काफ़ी अच्छे ऑप्शन कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए उपलब्ध होने वाले हैं। टीम न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे और जो लेटेस्ट फैंटेसी ऐप है फैंस पार्क, उसके फीचर्स और दोस्तों उसके कैश बोनस के बारे में हम यहाँ से चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब के लिए यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो को अपडेट आप तक पहुँचता है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर किया करें क्योंकि आपका एक लाइक काफी इंपोर्टेंट होता है। सबसे पहले बात करते हैं मैच का होने वाला, आप यहाँ से देख सकते हो किंगस्टन ओवल लंदन में मैच होने वाला है, जो कि दोस्तों एक अच्छा स्कोरिंग विकेट है। आप यहां से देख सकते हो कि टोटल 29 मैच खेल गए, इनमें से पहले बैटिंग करने वाली ने 15 मैच और सेकंड बैटिंग करने वाली ने, बात करें एक मैच यहां से टाई हुआ है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर के बारे में बात करें तो 171 रन रहा है, वहीं हाईएस्ट टोटल के बारे में बात करें तो आप यहां से देखते हो 249, मतलब संभवतः इस मैच में भी आपके लिए 200 के आसपास स्कोर देखने को मिल जाएगा। उसके पीछे रीजन है दोस्तों क्योंकि दोनों ही टीमों के पास बल्लेबाजी अच्छी है। हालांकि ससेक्स पहले नंबर पर चल रही है और यहाँ से सूर्य लास्ट नंबर पर, मतलब सेकंड लास्ट पर चल रही है, तो लेकिन यहाँ से ससेक्स के पास शानदार एक बैटिंग लाइनअप है तो आपके लिए अच्छा स्कोर देखने को मिल सकता है। चलिए टीम न्यूज़ और दोस्तों एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। आप इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए, आपके लिए यहाँ से बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। बात करें आपके लिए स्टोनमैन खेलते हुए नजर आ जाएंगे और ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन स्टोनमैन कब खेलेंगे तब यहाँ से सैम कुरन नहीं खेलेंगे। लास्ट मैच में सैम कुरन नहीं खेले दोस्तों, यदि इस मैच में जो भी न्यूज़ आएगी सैम कुरन के बारे में मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। और ओपन की दोस्तों इन्होंने 53 रन का स्कोर करके यहां से दिया था। उसके बाद टॉम कुरन आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाता है, लगातार विकेट निकाल के दे रहे हैं और एक से दो विकेट, मतलब दो विकेट लगभग एवरेज हर एक मैच में निकाल रहे हैं। उसके अलावा बल्लेबाजी से भी थोड़ी बहुत ही बल्लेबाजी कर लेते हैं। वहीं एरोन फिंच दोस्तों अभी तक अच्छे टच में दिख रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं 250 रन का यहाँ से स्कोर कर चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया सैम कुरन, इनके बारे में कोई कन्फर्म नहीं है दोस्तों, इनके बारे में कन्फर्म न्यूज आएगी टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। दोस्तों मार्क स्टोनमैन और एरोन फिंच आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, इमरान ताहिर इनके सबसे अच्छे गेंदबाज हो जाते हैं, तो आप इनको अपनी टीम में ट्राई करने की कोशिश करिएगा जो मैंने आपके लिए यहाँ से प्लेयर बताए। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ ससेक्स के बारे में, दोस्तों इनके की प्लेयर हैं कौन, राशिद खान, लेकिन अभी तक इन्होंने की प्लेयर के हिसाब से कोई परफॉर्मेंस नहीं किया। हालांकि हर एक मैच में एक विकेट निकाल रहे हैं, लेकिन ऐसा परफॉर्मेंस नहीं किया कि किसी मैच में तीन विकेट, चार विकेट या पांच विकेट निकाल दिए हों। लुक राइट काफ़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, आप एनी टीम में ट्राई करते। ओली रॉबिन्सन आपके लिए ये भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, लास्ट मैच में चार विकेट निकाले दोस्तों। यहाँ से लास्ट मैच में यदि आपने गौर किया तो जोरफ आर्चर नहीं खेले थे, सेकंड लास्ट में जोरफ आर्चर खेले थे दोस्तों। जोरफ आर्चर की अनुपस्थिति में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और चार विकेट निकाली। एलेक्स कैरी दोस्तों एक शानदार फिनिशर की भूमिका निभा रहे हैं और नंबर चार पर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। भाई लुक राइट दोस्तों आपके लिए कैप्टन करती हुई, ल्यूक राइट आपके लिए कैप्टनसी करती हुई नजर आ जाएंगे। पीटर साल्ट और ल्यूक राइट आपके लिए ओपन करती हुई नजर आ जाएंगे, जो कि दोनों ही धमाकेदार बल्लेबाज हैं दोस्तों। यदि कोई भी यहाँ से चेंजेस होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। यहाँ से आपके लिए मैं टॉस के बाद टीम भी बताता रहता हूँ। और दोस्तों कल काफ़ी इंतजार किया लेकिन मैच नहीं हुआ, तो हमने लगभग 12:30, 1 के समथिंग इंतजार यहाँ से किया था लेकिन मैच नहीं हुआ, इसलिए दोस्तों यहाँ से आप वो मैच भी नहीं खेल पाए। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, बात करते हैं हेड टू हेड। हेड टू हेड दोनों टीमों के बीच आप यहाँ देखो 31 मैच खेल गए हैं, इनमें सूर्य ने दोस्तों 15 मैच और ससेक्स ने 12 मैच विन कर दिए। इस सीजन में दोस्तों यहाँ से एक मैच हुआ है इन दोनों के बीच, वो मैच भी टाई हो गया था, कोई रिजल्ट नहीं आया था। दोनों टीमों ने 144 पर दोस्तों यहाँ से मैच खत्म किया था। चलिए बात करते हैं यहाँ से हेड टू हेड। हेड टू हेड दोनों टीमों के बीच तो 2018 में आप देख सकते हो यहाँ पे दो मैच खेले गए हैं दोस्तों, एक मैच सूर्य ने जीता, ससेक्स ने कोई मैच नहीं जीता, एक मैच इनका लास्ट सीजन में भी नो रिजल्ट रहा था जैसा कि इस सीजन में रहा। आप यहाँ से दोनों टीमों का परफॉर्मेंस और बैटिंग ऑर्डर यहाँ से देख सकते हो। ये बिलजैक्स दोस्तों यदि यहाँ से आपके लिए स्टोनमैन खेलेंगे तो बिलजैक्स फर्स्ट डाउन करते हुए नजर आ जाएंगे, और यदि नहीं खेलते स्टोनमैन तो दोस्तों आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे एरोन फिंच के साथ। लेकिन एरोन फिंच का कन्फर्म है आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, काफ़ी शानदार प्लेयर भी हैं तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। बिलजैक्स भी दोस्तों आपके लिए अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं, आप यहाँ से देखते हो 32 रन, 15 रन, 14 रन, 40 रन, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। वहीं बात करें ओली पोपी आपके लिए काफ़ी शानदार एक बल्लेबाज हैं दोस्तों और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस करके दे रहे हैं, आप यहाँ से देख सकते हो 28 रन, 13 रन, 39 रन, मतलब आपके लिए काफ़ी शानदार ये ऑप्शन हो जाते हैं। वहीं सैम कुरन दोस्तों जैसा कि मैंने आपके लिए बताया आपके लिए की प्लेयर साबित हो सकते हैं, क्योंकि दोस्तों नंबर चार पर या पाँच पर बल्लेबाजी करने के लिए आ जाते हैं और दोस्तों उसके अलावा शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। आप लास्ट मैच का परफॉर्मेंस का देख सकते हो दोस्तों, 51 रन, 2 विकेट, उससे पहले 39 रन, 53 रन, यहाँ से विकेट टाइप नहीं कर पाए, हालांकि विकेट इन्हें कम मिली है। लेकिन दोस्तों इस मैच में इनके बारे में कोई कन्फर्म अभी तक न्यूज़ नहीं है, यदि खेलेंगे तो उसके बारे में अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। बेन फोकस को दोस्तों ज़्यादा बैटिंग इनकी आ नहीं रही, लगभग 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, लेकिन बल्लेबाज बहुत शानदार हैं दोस्तों, आप चाहे उन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, आप सिर्फ ग्रैंड लीग की टीम में इन्हें ट्राई करना। जॉर्डन क्लार्क आपके लिए शानदार ऑप्शन है। टॉम कुरन दोस्तों जैसा कि मैंने बताया आप यहाँ से इनका परफॉर्मेंस भी हर एक मैच में देख सकते हो। बैटी आपके लिए एवरेज गेंदबाजी करके दे रहे हैं। भाई जो दोस्तों इनके कैप्टन है ड्रेंच,
लास्ट मैच में इन्होंने भी 2 विकेट निकाले, तो उससे पहले एक विकेट मतलब आपके लिए भी ठीक ठाक ऑप्शन हो जाते हैं। रियान पटेल आपके लिए खेलते हुए नजर आ सकते हैं दोस्तों। वहीं इमरान ताहिर आप यहाँ देख सकते हो, जैसा कि मैंने बताया 1 विकेट इन्होंने एवरेज लिया है। चलिए बात करें दोस्तों यहाँ से सूर्य के बारे में बात करें दोस्तों आप सशक्स के बारे में, तो आप यहाँ से देख सकते हो फिल साल्ट आपके लिए लुक राइट के साथ ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। फिल साल्ट दोस्तों काफ़ी खतरनाक बल्लेबाज, यहाँ पर टीम में ट्राई कर सकते हो। 78 रन का स्कोर किया था दोस्तों इस मैच से पहले वाले मैच में। बात करें लुक राइट की, इन्होंने भी दोस्तों लगातार परफॉर्मेंस करके दिया और अपनी टीम की कैप्टनसी करते हुए नजर आ जाएंगे। मैं लियो रिवांस आपके लिए ये भी शानदार ऑप्शन हो जाते हैं, आप इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो। हालांकि पिछले 3 मैचों से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, 9-9 8 रन इन्होंने बनाए, लास्ट मैच में 8 बनाए, उससे पहले 9 लेकिन 65 रन का स्कोर किया था। एलेक्स कैरिक दोस्तों यहाँ से बैटिंग कम आ रही, क्यों आ रही, क्योंकि दोस्तों इनकी बल्लेबाजी इतनी दमदार है दोस्तों सशक्स की कि विकेट नहीं गिर पाते। तो 4 नंबर पर हालांकि बल्लेबाजी करते हैं लेकिन फिर भी आप यहाँ से देख सकते हो कम ही मैच में बैटिंग आई है, लेकिन बहुत शानदार बल्लेबाजी, 78 भी किया दोस्तों, 22 किया 32 किया, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। वहीं बात करें आपके लिए रावलिंस शानदार ऑप्शन हो जाते हैं। डेविड बीस को दोस्तों नंबर 4 पर या 5 पर प्रमोट किया जा रहा है, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। गेंदबाजी तो शानदार करते हैं, उसके अलावा दोस्तों बल्लेबाजी भी ठीक ठाक करके दे रहे हैं। आप देख सकते हो लास्ट में 26 रन बनाए, 1 विकेट भी यहाँ से इन्होंने चटकाया था, 37 रन बनाए, कोई विकेट नहीं मिला दोस्तों, विकेट मिला रन नहीं बनाए, मतलब आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो और कैप्टन वाइस कैप्टन भी टीम में ट्राई कर सकते हो। जैसा कि मैंने राशिद खान के बारे में बताया आपके लिए की फैक्टर ये साबित हो सकते हैं दोस्तों, और जॉर्डन लास्ट मैच में खेलते हुए नजर नहीं आए थे, यदि दोस्तों ये नहीं खेलेंगे तो टोपली खेलेंगे। टोपली लास्ट मैच में 3 विकेट निकाले, उससे पहले 1 विकेट निकाला, आप चाहो इन दोनों में से एक किसी को टीम में ट्राई कर सकते हो। ब्रिंग्स आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो गया। टायले मिल्स आपके लिए हर एक मैच में लगभग 1 विकेट डेवी निकाल कर दे रहे हैं। ओली रोबिनसन आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे दोस्तों यहाँ से। जोर्फ आर्चर के बारे में, सैम कुरन के बारे में और दोस्तों यहाँ से टायले मिल्स, ये 3 प्लेयर के बारे में न्यूज आएगी, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर से अपडेट कर दूंगा। आपके लिए ओली रोबिनसन आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, लास्ट में 4 विकेट निकाले, उससे पहले 2-2, मतलब आपके लिए शानदार ऑप्शन ये हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं दोस्तों यहाँ से एन स्पार्क दोस्तों, इसकी लिंक आपके लिए वीडियो टेक्स्ट पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों, एक शानदार ऐप है। आप जैसे डाउनलोड कर आप Raj123, जी हाँ दोस्तों Raj123 कोड डालोगे, आपके लिए 25 रुपये का कैश बोनस आ जाएगा। इसके कैश बोनस की क्या दोस्तों यहाँ से बात है कि आपके लिए 100% यूजेबल है। जैसे कि आप देख रहे हो इंडिपेंडेंस ऑफर चल रहा है आज, आप इस पर देख सकते हो, तो इसका कैश बोनस है दोस्तों वो 100% यूजेबल, आप ऐड कर लीजिएगा। इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड करके Raj123 कोड डालोगे और दोस्तों जैसे ही आप यहाँ से पेन वेरीफाई करोगे आपके लिए 25 रुपये का कैश बोनस आ जाएगा, जो कि 100% दोस्तों यूजेबल है। और कैश बोनस भी दोस्तों यदि आप ऐड करते हो 200 तो 50 रुपये, ये भी दोस्तों 100% यूजेबल है। और इसमें कोई भी यहाँ से आपके लिए 0 नहीं होता, इसमें जो फाइट बैक बोनस है दोस्तों आपके लिए वो अवेलेबल है। आप यदि स्मॉल लीग खेलते हो 1 से 6 मेंबर की, तब भी आपके लिए 5 से 6% रुपए यहाँ से वापस अपनी एंट्री के मिल जाते हैं, तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा। इसकी टीम का आपके लिए मैं यहाँ से डायरेक्ट फाइनल प्रीव्यू दिखा दे। एलेक्स कैरी दोस्तों लुक राइट है, लियो रिवांस है, पीटर साल्ट है, एरन फिंच है दोस्तों, ओली पोपी को मैंने यहाँ टीम में ट्राई किया, आप अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस यहाँ से कर सकते हो। डेविड बीज हैं दोस्तों, जॉर्डन क्लार्क हैं, ओली रॉबिन्सन, राशिद खान और दोस्तों टॉम कुरन को मैंने यहाँ से टीम में ट्राई किया, ये मैंने टीम तैयार किया दोस्तों, और आप अपने हिसाब से कोई चेंजेस करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। अभी दोस्तों जो ग्रोइंग ऐप चल रहा है माई फैब 11, इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जैसे आप डाउनलोड कर Raj123 कोड डालोगे, जी हाँ दोस्तों Raj123, आपके लिए यहाँ से 50 रुपये कैश बोनस आ जाएगा। बहुत शानदार ऐप है दोस्तों, इसमें भी आप यदि फर्स्ट डाउन टाइम डिपॉजिट करते हो 200 से 500 के बीच में, तो आपके लिए 100% कैश बोनस है, क्योंकि आप वेलकम ऑफर है। और दोस्तों 500 यदि आज डिपॉजिट करते हो तो आपके लिए 500 से 5000 तक 100% कैश बोनस इसमें भी है। इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ जाकर डाउनलोड करना है और Raj123 कोड डालना बिल्कुल ना भूलिए, यदि कोड डालोगे तभी आपके लिए 50 रुपये कैश बोनस मिलेगा। इसकी टीम का भी आपके लिए मैं डायरेक्ट फाइनल प्रीव्यू यहाँ से दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ से इसकी टीम का डायरेक्ट फाइनल प्रीव्यू देख सकते हो। एलेक्स कैरी पिक किया है दोस्तों मैंने यहाँ से, ओली पोपे हैं दोस्तों, लियो रिवांस, लुक राइट और पीटर साल्ट, उसके अलावा बिल जैक्स हैं, एरन फिंच हैं दोस्तों, डेविड बीस को मैंने एकमात्र ऑलराउंडर यहाँ से टीम में ट्राई किया है, राशिद खान ब्रेंच है और दोस्तों इमरान ताहिर, इनको मैंने टीम में ट्राई किया। यदि आप इस टीम के साथ जाना चाहते हो इसके साथ जा सकते हो, या अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आप इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। जैसे डाउनलोड कर आप Raj123, जी हाँ दोस्तों Raj123 कोड डालोगे, आपके लिए 50 रुपये कैश बोनस आ जाएगा, जो कि दोस्तों आप सभी लीगों में यूज कर सकते हो, तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा। अभी तक की वीडियो मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके लिए ऐसी मैं अच्छी अच्छी वीडियो दोस्तों इन्फॉर्मेशन के साथ लेकर आता रहूँगा। सबसे बात करते हैं यहाँ से पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की, तो आपके लिए बेन फोक्स खेलते हुए नजर आ जाएंगे, एलेक्स कैरी, ओली पोपी, तीनों आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, आप चाहो जिस टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहो अवॉइड कर सकते हो। यहाँ से मेन फोकस आपके लिए लगभग 6 से 7 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, ओली
वो भी आपके लिए यहाँ से फर्स्ट डाउन या सेकंड डाउन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, और जबकि आपके लिए एलेक्स कैरी नंबर चार पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। ये दोनों आपके लिए नंबर सेम पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे चार चार पर। तो आप चाहो दोनों को टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहो अवॉइड भी कर सकते हो। और दोस्तों फोकस को, बेन फोकस को आप ग्रैंड लीग में आप इन पे फोकस कर सकते हो, आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाते हैं। फिलहाल की स्थिति में इन दोनों को टीम में ट्राई कर रहा हूँ, आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यहाँ से बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की। जेसन रॉय आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। एरन फिंच आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाते हैं, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। ल्यूक राइट आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाते हैं। वेन स्टोनमैन आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे दोस्तों, तो ये भी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। आप चाहो इनको भी टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहो अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपके लिए चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे ऑलराउंडर सेक्शन, काफ़ी सारी चॉइसेस यहाँ से अवेलेबल हैं। तो फिलहाल की स्थिति में दोस्तों यहाँ से एरन फिंच, ल्यूक राइट, और दोस्तों मैं यहाँ से लुरी इवांस को टीम में ट्राई कर रहा हूँ आपके लिए। उसके अलावा पीटर साल्ट शानदार ऑप्शन है, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, तो मैं यहाँ से इन्हें भी टीम में ट्राई कर रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ से ऑप्शंस की बात करें तो आपके बिल जैक्स भी शानदार ऑप्शन हो जाते हैं, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो दोस्तों। आपके लिए ओपन या फर्स्ट डाउन करते हुए नजर आ जाएंगे, तो मैं यहाँ से इन्हें भी टीम में ट्राई कर रहा हूँ। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ से ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की। ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की बात करें तो आपके लिए सैम कुरन शानदार ऑप्शन हो जाते हैं, लेकिन इनके बारे में अभी कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। कन्फर्म न्यूज़ आने के बाद ही दोस्तों मैं इन्हें टीम में लूँगा। एडिट करते टाइम उसकी इन्फॉर्मेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए दे दूँगा। रिकी क्लार्क शायद आपके लिए खेलते हुए नजर आए, डेविड विज आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, और शानदार ऑप्शन ये हो जाते हैं। जॉर्डन क्लार्क आपके लिए खेलते हुए नजर आ जाएंगे, तो आप यहाँ से इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ से इतना अच्छा ऑप्शन आपके लिए कोई है नहीं है, राहुल इंस को यहाँ से रिमूव कर दिया। आप चाहो इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो एज अ कैरियर मैनेजर, तो मैं यहाँ से दोस्तों डेविड बीज को टीम में ट्राई कर रहा हूँ। यदि दोस्तों मुझे पता लगता है यहाँ से सैम कुरन खेल रहे हैं, तो मैं यहाँ से बल्लेबाजी सेक्शन में जाकर दोस्तों एक किसी बल्लेबाज को यहाँ से ड्रॉप कर दूंगा, क्योंकि अभी मैंने 7 बल्लेबाज टीम में पिक कर रखे हैं, क्योंकि एक हाई स्कोरिंग मैच आपके लिए देखने को मिल सकता है, क्योंकि विकेट कुछ ऐसी है कि यहाँ से हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। तो जैसे ही मुझे सैम कुरन का पता लगेगा दोस्तों, मैं एक बल्लेबाज यहाँ ड्रॉप कर दूंगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ से बॉलिंग डिपार्टमेंट की। बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों, यहाँ से आपके लिए तायर अच्छा ऑप्शन हो जाता है, उसके अलावा जोरफा आर्चर शानदार ऑप्शन है, और टॉम कुरन आप इनको टीम में ट्राई कर सकते हो। लेकिन जोरफा आर्चर दोस्तों यहाँ से कोई कन्फर्म इनका खेलना ना खेलना भी नहीं, इस वजह से मैं इन्हें यहाँ से टीम में ट्राई नहीं कर रहा। तो दोस्तों मैं यहाँ से टॉम कुरन को बिल्कुल डेफिनेटली टीम में ट्राई करने वाला हूँ। और ताहिर ने दोस्तों इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया अभी तक, जैसा कि मैंने बताया कि हर एक मैच में एक विकेट निकाला है, इससे ज़्यादा विकेट इन्होंने नहीं निकाले, 2 विकेट निकाले तो कहीं के मैच में इन्होंने विकेट भी नहीं निकाला, इसलिए लगभग इनका एवरेज एक विकेट का हो जाता है। इस वजह से मैं यहाँ टीम में ट्राई नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से दोस्तों मैं राशिद खान को टीम में ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि ये आते हैं दोस्तों आड़ा तिरछा बल्ला चला के थोड़ी बहुत रन भी आपके लिए करके दे सकते हैं, तो आप इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहे अवॉइड भी कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों आपके लिए यहाँ से काफ़ी सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ड्रेंच हैं दोस्तों, ब्रिंग्स हैं, आपके लिए कुछ ऑप्शन हो जाते हैं। उसके अलावा टोपली आपके लिए शानदार ऑप्शन है, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा ओली रोबिनसन आपके लिए शानदार ऑप्शन है, बैटी आपके लिए अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ से आपके लिए ना बॉलिंग डिपार्टमेंट में ना बैटिंग डिपार्टमेंट में दोस्तों कमी कहीं से भी किसी भी प्लेयर में नहीं है। तो दोस्तों मैं यहाँ से ड्रेंच को टीम में ट्राई करूँगा, क्योंकि दोस्तों इनमें मुझे थोड़ी अच्छी प्रतिभा लगती है, और टीम के कैप्टन भी हैं, तो आपके लिए अच्छा परफॉर्मेंस कर दे सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें दोस्तों, काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली यहाँ से स्थिति आपके लिए बन जाती है एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। अब आप किसी को ट्राई करोगे, सभी शानदार बल्लेबाज हैं, लेकिन फिर भी मैं अपने विवेक से यहाँ से आपके लिए 3 ऑप्शन अवेलेबल करा देता हूँ स्मॉल लीग के लाने। इस सबसे पहले दोस्तों यहाँ से आपके लिए एरन फिंच शानदार ऑप्शन हो जाता है, आप इन्हीं टीम में ट्राई कर सकते हो एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। उसके अलावा ल्यूक राइट आपके लिए शानदार ऑप्शन है, और दोस्तों यहाँ से पीटर साल्ट आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाता है, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। भाई दोस्तों और ऑप्शंस के बारे में बात किया तो आपके लिए यहाँ से लुई रिवांस, एलेक्स कैरी शानदार ऑप्शन है दोस्तों। उसके अलावा ओली पोपी को आप टीम में ट्राई कर सकते हो एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन। यदि सैम कुरन खेलते हैं दोस्तों, तो आपके लिए वो एक यूनिक ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वो स्मॉल लीग में आपके लिए स्मॉल लीग और हेड टू हेड में सबका सेम ऑप्शन मिलने वाला है, तो आप उन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।